Hello students, now I am going to discuss the last part of AI curriculum. This is our case study. The case study is neural network. Okay. This part is mandatory for class 9, 10th and 11th students. Okay. But class 8th students not need to study this part. Okay. If you want to learn this part, you can learn it. Otherwise, you can skip this part. Okay. But it is mandatory for class 9, 10th and 11th students. Okay. So how the human brain works and how it takes decisions, just like that we are making a machine which mimics the human brain. Okay. So this video में हम human brain की comparison जो है machine से करेंगे, नहीं artificial intelligence से करेंगे. Okay. Artificial intelligence की जो शुरुआत थी वो इसी बेस पर हुई थी कि कैसे हम एक मशीन को जो है इंटेलिजेंट बना सकते हैं. और जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम ह्यूमन से उसकी कंपैरिजन करते हैं. 1950 में जब एलन ट्यूरिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कैन मशीन चेंज, वो इसी बेस पे था कि जो है हम क्या मशीन को ह्यूमन के कंपैरिजन में इंटेलिजेंट बना सकते हैं या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So before discussing the neural network concept, let's discuss in depth of what we studied in the previous video regarding artificial intelligence models and machine learning models. So machine learning models, so मैंने आपको three models बताए थे, classification first model, regression second model, and the last one is clustering model. Okay, so let's discuss these models in depth. Okay. फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन मॉडल से. और मैंने बताया था कि जो ये तीनों मॉडल्स हैं ये एआई में रूल बेस्ड कैटेगरीज में आते हैं. ओके, एआई में हमारे पास टू कैटेगरी होती है, वन इज रूल बेस्ड एंड द अदर वन इज लर्निंग बेस्ड. रूल बेस्ड कैटेगरी में हम जो है इन मॉडल्स की स्टडी करते हैं. ओके, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बट यहाँ पे हम डेप्थ में समझेंगे कि कैसे जो है रिग्रेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल और क्लस्टरिंग मॉडल जो है वर्क करते हैं. ओके, तो रिग्रेशन इज द टाइप ऑफ रूल बेस्ड मॉडल. ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक रूल बेस्ड मॉडल है. इन रिग्रेशन द एल्गोरिथम जनरेट्स अ मैपिंग फंक्शन फ्रॉम द गिवन डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड टाइम. ओके, तो रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और क्लस्टरिंग हो गया, तीनों में हम मैपिंग फंक्शन जनरेट करते हैं. व्हाट इज मैपिंग फंक्शन? जो कि डेटा के अकॉर्डिंग जो है मैप है. ओके, जैसे आपके पास जो भी डेटा सेट होगा उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ऐसा फंक्शन जनरेट करोगे जो कि आउटपुट को प्रेडिक्ट करेगा. ओके, दैट इज मैपिंग. और रिग्रेशन के केस में जो भी मैपिंग फंक्शन जनरेट होता है वो हमेशा एक सॉलिड लाइन होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है. तो ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो दिया है एक सॉलिड लाइन का दिया है. ओके, रिग्रेशन वर्क विथ कंटिन्यूअस डेटा. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिग्रेशन जो है कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करता है. व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा? इन मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा कि टू टाइप के फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिस्क्रीट फंक्शन. कंटिन्यूअस फंक्शन में हम ईच एंड एवरी वैल्यू को डिफाइन करते हैं, बट जबकि डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता. डिस्क्रीट में हम जो है रैंडम वैल्यूज, लेट्स से जीरो, जीरो के बाद हम डायरेक्ट वन पे स्टार्ट करेंगे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, मीन्स एज अ होल नंबर जो है जो है मैपिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं. बट कमिंग टू द कंटिन्यूअस केस, कंटिन्यूअस के केस में हम जो है ईच एंड एवरी वैल्यू, अगर वो डेसिमल है, पॉइंटेड है, तो भी हम इसको जो है वहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे. ओके, डब्ल्यू डॉट्स शोन इन द ग्राफ आर द डेटा वैल्यूज एंड द सॉलिड लाइन हियर रिप्रेजेंट द मैपिंग डन फॉर दैट. ओके, तो जो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो ये जो ब्लू डॉट्स है, ये ब्लू डॉट्स क्या है? वैल्यूज है, डेटा वैल्यूज है जो आपने डेटा सेट से उठाया है. डेटा सेट कहाँ से आपको मिला? डेटा एक्विजिशन स्टेज से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट सेकंड में जो हमारा सेकंड स्टेज है डेटा एक्विजिशन, वहाँ से हमने जो डेटा सेट उठाया वो डेटा सेट के अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो ये ब्लू डॉट है. और सॉलिड लाइन क्या बता रहा है? सॉलिड लाइन बता रहा है कि इन डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो मैपिंग जनरेट हुई है वो ये सॉलिड लाइन. ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. विद द हेल्प ऑफ दिस मैपिंग फंक्शन वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर डेटा. और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है
कि इस मैपिंग फंक्शन के बेस पे हम जो है फ्यूचर डेटा यानी कि आउटपुट जो है प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी कंपनी के में कोई एम्प्लॉय है उसकी सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, तो सैलरी प्रेडिक्ट करने के लिए आपको उसकी प्रीवियस सैलरी को जो है एज अ डेटा जो है इनपुट के तौर पे लेना पड़ेगा, और उस प्रीवियस सैलरी के बेस पे जो भी मैपिंग फंक्शन बनेगा उससे आप आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हो। उससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसके आने वाले मंथ में जो है या नेक्स्ट ईयर में उसकी सैलरी क्या हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ पे मैंने रिग्रेशन मॉडल में एग्जांपल जो है सैलरी का लिया है, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। ओके, एज यू सी हियर कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस किसी एम्प्लॉय की ज़्यादा होती है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी जो है बढ़ती जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें हमने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिया है, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स इस तरह से। और जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमने जो है सैलरी को मैंशन किया हुआ है। सैलरी यहाँ पे 40,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000 इस तरह से हमारी सैलरी है। तो नेक्स्ट डे अगर कोई एम्प्लॉय 2 ईयर्स वर्क करता है, उसके पास एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का, तो उसकी सैलरी जो होगी वो 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में सैलरी होगी। और अगर उसके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी अबाव 60,000 होगी। अगर 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो अबाव 80,000। देन 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस से 1,00,000 सैलरी एंड 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस से 1,20,000 से अबाव सैलरी। ओके, तो ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो हमने मैपिंग फंक्शन जनरेट किया है सॉलिड लाइन का, ये रिग्रेशन मॉडल की बेस पे हमने प्रेडिक्ट किया है। ओके, तो रिग्रेशन मॉडल में जनरली हम ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोबेबिलिटी का अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से कि पर्टिकुलर प्रेडिक्शन, ओके, जो हमारा जो भी प्रेडिक्शन होगा, मशीन जो भी प्रेडिक्ट करेगी वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है और कितना एक्यूरेट है, इस बात पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो हियर इफ वी वांट टू प्रेडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वी कैन यूज हिज पास्ट सैलरी एज ट्रेनिंग डेटा एंड कैन प्रेडिक्ट हिज नेक्स्ट सैलरी। व्हाट इज ट्रेनिंग डेटा? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टू टाइप्स ऑफ डेटा एग्जिस्ट करते हैं, वन इज टेस्टिंग डेटा एंड वन इज ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जो आप इनपुट के तौर पे मशीन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, फ्यूचर सैलरी, तो हमें उसकी प्रीवियस सैलरीज को जो है एज अ इनपुट डेटा प्रोवाइड करना होगा। ओके, दैट इज ट्रेनिंग डेटा। और टेस्टिंग डेटा क्या होता है? टेस्टिंग डेटा जो है मशीन जो आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, मतलब उसकी फ्यूचर सैलरी जो प्रेडिक्ट करेगा, दैट इज आवर टेस्टिंग डेटा। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स आर एग्जिस्टिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन इज ट्रेनिंग डेटा एंड वन इज टेस्टिंग डेटा। ओके, तो जो नेक्स्ट सैलरी वो प्रेडिक्ट कर रहा है वो क्या है? टेस्टिंग डेटा। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्टिंग डेटा? बिकॉज इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, समटाइम्स इट करेक्ट एंड समटाइम्स इट जो है रॉन्ग। तो उस केसेस में जो है इसीलिए इसको टेस्टिंग देते हैं कि ये बार बार जो है अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते। नाउ लेट्स सी द सेकेंड मॉडल। सेकेंड मॉडल इज क्लासिफिकेशन मॉडल। ओके, तो यहाँ पे मैंने रैंडम ऑर्डर में ले लिया है, बट जनरली सीक्वेंस हम पहले क्लासिफिकेशन मॉडल को स्टडी करते हैं, देन रिग्रेशन मॉडल एंड क्लस्टरिंग मॉडल। ओके, तो सेकेंड यहाँ पे हमने चूज किया है क्लासिफिकेशन मॉडल। एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन मॉडल? क्लासिफिकेशन इज अ रूल बेस्ड मॉडल। ओके, तो क्लासिफिकेशन भी क्या है? एक रूल बेस्ड एआई मॉडल, जैसे रिग्रेशन एआई रूल बेस्ड एआई मॉडल। इन क्लासिफिकेशन द एल्गोरिथम इज एबल टू डिटरमाइन व्हिच सेट अ गिवन डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू बाय मींस ऑफ अ क्लासिफिकेशन फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। सो रिग्रेशन में हम सॉलिड लाइन का यूज करते हैं मैपिंग फंक्शन के तौर पे, बट क्लासिफिकेशन में हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। एंड क्लासिफिकेशन के केस में जनरली जो डेटा सेट होता है वो लेबल्ड डेटा सेट होता है, मीन्स उसकी लेबलिंग पहले से होता है। यूजुअली ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रूल नहीं है, तो ये कन्वेंशन है कि हम जो डेटा यूज करते हैं वो लेबल्ड डेटा। ओके, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा क्लासिफिकेशन फंक्शन होगा। ओके, वहाँ पे हम मैपिंग फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन फंक्शन इसको डिफाइन करते हैं। द मॉडल क्लासिफाइज डेटा सेट्स अकॉर्डिंग टू द रूल गिवन टू इट। ओके, जो भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया है, ओके, देर आर वेरियस एआई मॉडल एल्गोरिथम एग्जिस्टेड। आप किसी भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करके जो है मॉडल क्रिएट कर सकते हैं।
जो भी मॉडल आपने चूज किया वो क्लासिफाई करेगा डेटा सेट को रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स क्या होंगे? रूल्स ऑलरेडी डेवलपर यहाँ पे मेंशन करता है, रूल्स और इंस्ट्रक्शन जो है डेवलपर क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, क्लस्टरिंग, तीनों में मेंशन करता है। यूजुअली जो डेटा सेट यूज फॉर क्लासिफिकेशन आर लेबल्ड, जैसा कि मैंने बताया कि जो यहाँ पे डेटा सेट होता है वो लेबल्ड डेटा सेट होता है, एंड द डेटा देन गेट्स सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर लेबल, और लेबलिंग के बेस पे जो है मशीन जो है डेटा को सॉर्ट करती है, ओके, सॉर्टिंग करती है, उसको सीक्वेंस में अरेंज करती है। टेस्टिंग डेटा इज देन क्लासिफाइड वन ऑफ द लेबल्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट, ओके। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग डेटा, मशीन जो डेटा प्रेडिक्ट कर रही है उसको हम क्लासिफाई करते हैं किसी एक लेबल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉग, कैट और 3 to 4 एनिमल्स के डेटा को प्रेडिक्ट करना है तो वहाँ पे उनकी लेबलिंग होगी। तो जब जो भी टेस्टिंग डेटा आएगा वो ये क्लासिफाई करेगा कि कौन सा डॉग का इमेज है, कौन सा कैट का इमेज है और कौन सा दूसरे एनिमल का इमेज है, ओके, बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। क्लासिफिकेशन वर्क्स ऑन डिस्क्रीट डेटा सेट, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन किस पे वर्क करता है, डिस्क्रीट डेटा सेट। डिस्क्रीट में मैंने बताया कि हर एक वैल्यू के फंक्शन को हम डिफाइन नहीं करते हैं, हम जो है पर्टिकुलर एक होल नंबर के वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसे 0 पे हमने डिफाइन कर दिया, 1 पे डिफाइन कर दिया, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो गैप है वो 1 का हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस डेटा में ईच एंड एवरी वैल्यू डिफाइंड होती है, बट डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट में रैंडम वैल्यू से जो है फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और क्लासिफिकेशन जो है डिस्क्रीट डेटा सेट पे वर्क करता है, जबकि रिग्रेशन जो है कंटिन्यूस डेटा सेट पे वर्क करता है, ओके। रिग्रेशन भी एक रूल बेस्ड एआई मॉडल है, क्लासिफिकेशन भी एक रूल बेस्ड एआई मॉडल है। रिग्रेशन में मैपिंग फंक्शन हम जनरेट करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन फंक्शन जनरेट करते हैं, ओके। क्लासिफिकेशन लेबल्ड डेटा पे वर्क करता है, बट रिग्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लेबल्ड डेटा मिले, ओके। नाउ लेट्स सी द लास्ट मॉडल। फर्स्ट लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक इमेज ली है, गिटार की इमेज है यहाँ पे, और आप मशीन को ये प्रेडिक्ट करना है कि वेदर दिस इमेज इज ऑफ गिटार और नॉट, ओके। तो यहाँ पे इफ वी वांट टू ट्रेन अ मॉडल टू आइडेंटिफाई इफ एन इमेज इज ऑफ गिटार और पियानो, वी नीड टू ट्रेन इट विद द मल्टीपल इमेजेस ऑफ बोथ गिटार एंड पियानो अलोंग विद देयर लेबल। अगर आपको ये मशीन को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो इमेज है क्या वो गिटार की है या फिर वो पियानो की है, तो उस केस में हम उसे मल्टीपल जो है इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, लेबल्ड इमेजेस। लेबल्ड इमेजेस का मतलब है कि हम अगर गिटार की इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे लेबल्ड होगा कि वो गिटार की इमेज है, और अगर हम उसे पियानो की इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो पियानो की इमेज है। और उसके जब आप उसको डेटा सेट प्रोवाइड कर दोगे, लेबल्ड डेटा सेट, देन आफ्टर आप लेट से कोई रैंडम इमेज लेके आते हो, सकता है वो गिटार की, हो सकता है पियानो की, तो वो क्या करेगा कि उसके पास पहले से जो डेटा सेट है उसके बेस पे वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपने जो उसे इमेज नई इमेज दी है क्या वो गिटार की है या फिर वो पियानो की है, ओके। द मशीन विल देन क्लासिफाई इमेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेबल्स एंड प्रेडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर टेस्टिंग डेटा। तो जो भी वो टेस्टिंग डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, मीन प्रेडिक्टेड डेटा प्रोवाइड करेगा, वो डेटा करेक्ट होगा। और यहाँ पे एग्जांपल में हमने जैसे मैंने इमेज प्रोवाइड की गिटार की, तो मशीन जो है ये करेक्टली प्रेडिक्ट कर देगा कि डेफिनेटली ये इमेज जो है एक गिटार की इमेज है। हाउ इट इज प्रेडिक्टेड? बेस्ड ऑन द लेबल्ड डेटा, जो आपने लेबल्ड डेटा से प्रोवाइड किया, ओके। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। नाउ लेट्स सी द लास्ट मॉडल। लास्ट मॉडल इज क्लस्टरिंग मॉडल। क्लस्टरिंग मॉडल में मैंने आपको बताया था कि जो डेटा सेट होता है उसको हम क्लस्टर करते हैं, ओके। जो भी प्रेडिक्टेड डेटा होता है उसमें डेटा क्लस्टर होके आता है, मीन ग्रुप होके आता है, ओके। फर्स्ट लेट्स सी द कॉन्सेप्ट हियर, व्हाट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच, ओके, वेयर द मशीन जनरेट्स इट्स ओन रूल और एल्गोरिथम टू डिफरेंशिएट अमंगस्ट द गिवन डेटा सेट टू अचीव द प्री डिसाइडेड गोल, ओके। तो क्लस्टरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मशीन जो है खुद के रूल और एल्गोरिथम को जनरेट करता है, बट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, ओके। और
यहाँ पे प्री डिसाइडेड गोल होता है जिसको मशीन को अचीव करना होता है. ओके, द डेटा फेड टू सच अ मॉडल इज यूजुअली अनलेबल्ड और रैंडम. ओके, तो यहाँ पे जो भी डेटा आप प्रोवाइड करोगे वो अनलेबल्ड होगा या फिर रैंडम डेटा होगा, इसकी लेबलिंग नहीं होगी. एंड डज द डेवलपर फीड द डेटा डायरेक्टली इनटू द मशीन एंड इंस्ट्रक्ट इट टू बिल्ड इट ऑन एल्गोरिथम. ओके, तो क्लस्टरिंग में जनरली हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो डेटा रैंडम होता है, मीन्स अनलेबल्ड डेटा होता है, और मशीन जो है उस डेटा के बेस पे और एक एल्गोरिथम जनरेट करता है, ऑटोमेटिक वो सेल्फ एल्गोरिथम जनरेट करता है. यहाँ पे डेवलपर की कोई नीड नहीं होती है एल्गोरिथम जनरेट करता है. द मशीन देन फाइंड द पैटर्न्स और ट्रेंड्स आउट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट एंड क्लस्टर्स द वन विच फॉलो द सेम पैटर्न. ओके, तो मशीन यहाँ पे क्या करेगा, जो भी आपने उसे डेटा सेट प्रोवाइड किया है उसमें वो केयरफुली ऑब्जर्व करेगा और उसमें से जो भी पैटर्न है या जो भी ट्रेंड्स है उनको फाइंड करेगा और उसके बेसिस पे जो है सेम डेटा सेट को एक साथ क्लस्टर करेगा. The output rules might be very different to what was expected as the machine has its own way of recognizing patterns. Okay, so यहाँ पे important thing है कि जो output आपको यहाँ पे achieve होगा वो output हो सकता है different हो जैसा आप expect कर रहे हो, क्योंकि मशीन के यहाँ पे खुद की algorithms होती है, खुद के उसके find करने के patterns होते हैं, उनके basis पे जो है वो आपको output provide करता है. And clustering also works on डिस्क्रीट डेटा सेट. ओके, जैसे क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट डेटा सेट से वर्क करता है वैसे क्लस्टरिंग भी जो है डिस्क्रीट डेटा सेट से वर्क करता है. तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग एक रूल बेस्ड एआई मॉडल है. ओके, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में जो है हम डेटा सेट जो प्रोवाइड करते हैं यूजुअली वो लेबल्ड डेटा सेट होते हैं, बट क्लस्टरिंग में ऐसा नहीं होता, क्लस्टरिंग में अनलेबल्ड डेटा सेट होता है. क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग ये जो दोनों हैं ये डिस्क्रीट डेटा सेट पर वर्क करते हैं और रिग्रेशन कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करता है. ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग. तो यहाँ पे क्लस्टरिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है डॉग्स की इमेजेस की. मैंने मशीन को यूजली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया और डेटा में क्या है थाउजेंड्स इमेजेस ऑफ डॉग्स, डॉग्स की जो है थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस मैंने प्रोवाइड की है और उसके बेसिस पे जो है मशीन ये प्रेडिक्ट करेगा कि जो भी आपने उसे नया इमेज प्रोवाइड किया है प्रेडिक्ट करने के लिए कि वेदर दिस इमेज इज ऑफ डॉग और नॉट. तो वो इसके पास जो प्रीवियस डेटा है उसके जो भी आपने डेटा इनपुट के तौर पर दिया उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करेगा. ओके, इफ यू हैव लेट्स सी एन एग्जांपल, let's see that statement here. So example mein de rakha hai, if you have a random data of stray dog which lives in your locality, since you are unable to find any meaningful pattern amongst them, you would feed their data into the clustering algorithm. Agar aap dog ki breed, color aur fur style ye sab cheeze ko aap easily identify nahi kar pate hain तो आप क्या करेंगे उसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में प्रोवाइड करेंगे उस डॉग की इमेजेस. द एल्गोरिथम वुड देन एनालाइज द डेटा एंड डिवाइड देम इनटू क्लस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स नोटिस. देन एल्गोरिथम क्या करेगा, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम उनमें सिमिलर पैटर्न को फाइंड करेगा और उनको एक साथ क्लस्टर करेगा. ओके, तो जो एक ब्रीड के डॉग होंगे उनको एक साथ क्लस्टर करेगा, जो दूसरे ब्रीड के डॉग होंगे उनको अलग से क्लस्टर करेगा. अगर कोई ब्लैक कलर का डॉग है तो उसको एक साथ क्लस्टर किया, व्हाइट कलर के डॉग को एक साथ क्लस्टर किया. ओके, द क्लस्टर्स आर देन गिवन एज द आउटपुट. और जो भी क्लस्टर्ड ने डेटा दिया है वो आपको एज अ आउटपुट प्रोवाइड होगा. ओके, तो ये मेन पॉइंट्स है क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन मॉडल के ऊपर. ओके, एंड दिस इज दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरल नेटवर्क. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस मॉडल इन डेप्थ इन द पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मशीन लर्निंग. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी डिटेल्ड अप्रोच of neural networks means how we can compare a human brain with the machine brain. Okay.